पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग चैप्टर 16 सीआरपीसी में सेक्शन 206 सीआरपीसी डिस्कस करेंगे। सेक्शन 206 सीआरपीसी हमें बताता है स्पेशल समन इन पेटी ऑफेंसेस के बारे में। अब किस तरीके से, क्या पेटी ऑफेंसेस में किस तरीके से प्रोसीजर क्या होता है, वो सेक्शन 206 में बताया हुआ है। सो By magistrate taking cognizance of petty offence, try summarily. तो जो भी magistrate cognizance लेंगे petty offence का, वो summarily procedure follow करेंगे। किस तरीके से appear होना है उसको, तो by person, या तो खुद person appear हो जाए या तो by pleader appear हो जाए। If plead guilty without appearing, अब यहाँ पर एक केस ये भी बन जाता है कि अगर वो without, वो appear ही नहीं हुआ कोर्ट में और उसने guilty plead कर लिया वहीं से जहाँ वो था, सो वो फाइन ट्रांसमिट करेगा बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर या फिर प्लीडर के थ्रू। अपने अमाउंट ऑफ फाइन कितना होगा, ये मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज ही हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि पेटी ऑफेंसेस में कितना फाइन दिया जाता है। अब सेक्शन 206 में पेटी ऑफेंसेस में ये भी बताया हुआ है कि मीनिंग क्या है पेटी ऑफेंसेस का। पेटी ऑफेंसेस का मतलब है पनिशमेंट ओनली विद ₹1000। कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो कि सिर्फ ₹1000 तक के फाइन तक ही सीमित है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो होगी वो ₹1000 का फाइन है, तो वो पेटी ऑफेंस हो गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें मीनिंग में पता चल गई कि पेटी ऑफेंसेस की क्या मीनिंग होती है और अमाउंट ऑफ फाइन कितना है, मैक्सिमम 1000 रुपीज। स्टेट गवर्नमेंट कैन एम्पावर मजिस्ट्रेट टू यूज सेक्शन 206 सबसेक्शन 1 इन केस ऑफ। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर कर सकती है मजिस्ट्रेट को वो पावर एक्सरसाइज करने के लिए जो वो पेटी ऑफेंसेस के केस में, सेक्शन 206 सबसेक्शन 1 क्या है, पेटी ऑफेंसेस के केस में वो मतलब अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जो कि कंपाउंडेबल है अंडर सेक्शन 320, अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जो कि अंडर सेक्शन 320 कंपाउंडेबल है, सेक्शन 320 सीआरपीसी कंपाउंडेबल है, उसको वो कंपाउंड उसको किया जा सकता है, तो मैजिस्ट्रेट जो है उसको एज अ पेटी ऑफेंस ट्रीट कर सकते हैं, इनका ये मतलब है कहने का। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि अंडर सेक्शन 320 सीआरपीसी कंपाउंडेबल है, तो जो मैजिस्ट्रेट है अपनी पावर सेक्शन 206 सबसेक्शन 1 की एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि उस ऑफेंस को जो कि कंपाउंडेबल है अंडर सेक्शन 320, उसको वो एज अ पेटी ऑफेंस ट्रीट करेंगे। ऑफेंस पनिशेबल नॉट मोर देन 3 months, अगर ऐसा कोई ऑफेंस किसी ने कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट 3 महीने से ज्यादा नहीं है, तो उसको वो एज अ पेटी ऑफेंस ट्रीट करेंगे। कहने का मतलब यह है उनका जो प्रोसीजर होगा वो समरली होगा। अब इसको हम रिलेट करेंगे सेक्शन 376 सीआरपीसी से, जो कि कहता है कि पेटी ऑफेंसेज में किसी भी तरीके की कोई अपील नहीं होती है। देन वी विल रिलेट इट विद सेक्शन 253 सीआरपीसी, जिसमें प्रोसीजर बताया है अगर इन केस ऑफ कन्विक्शन अंडर सेक्शन 206 प्लस अक्यूज्ड एब्सेंट है। तो अगर यहाँ पर आप देखो, आपको इससे समझ में आएगा कि क्या प्रोसीजर है अगर कन्विक्शन हो गया अक्यूज्ड का और अक्यूज्ड एब्सेंट है। इफ प्लीड गिल्टी विदाउट अपेयरिंग, उसने गिल्टी प्लीड कर लिया विदाउट अपेयरिंग, या फिर या तो गिल्टी उसने प्लीड कर लिया खुद ही अपेयर हुए बिना, या फिर क्या हो रहा है कि उसको कन्विक्ट कर दिया गया अंडर सेक्शन 206 और वो एब्सेंट है, ठीक है, तो भी वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, फाइन को ट्रांसमिट किया जाएगा बाय पोस्ट और मैसेंजर और बाय हिज प्लीडर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 206 सीआरपीसी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।